नमस्कार दोस्तों, केदारनाथ ब्रांच की ओर से मैं विवेक चौहान आपको आज पहलगाम की वादियों में दर्शन कराने लाया हूँ अमरनाथ यात्रा जी के। व्यू देखिए, ये अमरनाथ गुफा से तकरीबन 45 किलोमीटर पीछे हैं हम और यहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी थोड़ी देर रहते हैं कल सुबह सुबह, तो 40 किलोमीटर की यात्रा है तो बाकी कल दिखाएंगे आपको। पहलगाम मौसम बड़ा ही सुहावना, नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। आज हम पहलगाम पहुंच चुके हैं, अब यात्रा चलने वाली है थोड़ी देर में। जो देखिए आप यहाँ का व्यू देखिए, अब यात्रा चलेगी हमारी कम से कम 3 दिन तक, 2 दिन जाने के लगेंगे 1 दिन आने का लगेगा। बम बम भोले, केदारनाथ बाबा की जय। भोले की फौज करेगी मौज, अमरनाथ यात्री बड़ी कठिन यात्रा पे जा रहे हैं अब। बम बम भोले, ये देखिए यात्रा का दूसरा दिन, यात्री खचाखच भरे पड़े हैं। पूरे जोश में अमरनाथ यात्री, बम बम भोले, बम भोले। केदारनाथ रुद्राक्ष की ओर से यात्रा में भाग लेते हुए जय भोले, बम बम भोले भोले। आज की यात्रा पंचतरणी पे समाप्त होने वाली है। ये देखिए पंचतरणी आने वाला है। मौसम बड़ा खराब हो गया है, ठंडी हवा चल रही है, बर्फबारी की आशंका है, पर मजा बहुत आया आज। बड़ी हिम्मत के साथ भोलेनाथ ने जो है हौसले बुलंद करके यहाँ तक पहुंचाया है, लेकिन इसके बाद जो है घुटने टेक दिए। अब तो बस बोला जो है तो पालकी भेजेगा अपनी या भेजेगा अपना हाथी, बाबा स्थिति हो चुकी है टाउन। बम बोले ये पंचतरणी पहुंच गए हम। देखो जय भोले, जय भोले। ये हम अमरनाथ गुफा के दर्शन करके वापस आ गए हैं, गुफा के नीचे ही हैं हम। अब हम वापस जा रहे हैं, देखिए नजारा। अमरनाथ गुफा के नीचे ही हैं हम अभी, हम बड़े ही अच्छे दर्शन हुए आज। जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। ये दो रास्ते जा रहे हैं वापस अमरनाथ से होते हुए, ये रास्ता जा रहा है पहलगाम के लिए, दूसरा रास्ता जा रहा है बालटाल के लिए। देखिए केदारनाथ
जय हो जय हो। काल टाल का रास्ता 14 से 15 किलोमीटर होता है एक साइड का, पहलगाम का रास्ता 30 से 35 किलोमीटर होता है एक एक रास्ते का। ये देखिए क्या बोले ना, ये देखिए गंगा, असली गंगा है तो भगवान भोलेनाथ शंकर जी की चिताओं से बह के यहाँ से जा रही है। जय भोलेनाथ। ये गणेश टॉप पे आ गए हम, बर्फ का पहाड़ बिल्कुल सामने है, देखो जरा 17,500 की फीट पे। नजारा देखो, नजारा ऑक्सीजन की काफी लो मात्रा हो जाती है यहां पर आके। जय भोलेनाथ। ये ट्रैकिंग करते हुए सीधी चढ़ाई थी, अब सीधी उतर आई है। देखिए बड़ी मुश्किल, बैलेंस खराब तो बंदा सीधा नीचे। जय भोले। साढ़े 18,000 फीट की तकरीबन ऊंचाई होती है यहाँ पर। जगह का नाम है शेषनाग, शेषनाग की झील दिखाते हैं आपको। -3 टेम्परेचर है यहाँ पर अभी, ऑक्सीजन लेवल काफी लो होता है यहाँ पर। मान्यता है कि अगर इस झील में स्नान किया जाए, कुछ मांगा जाए तो वो मुराद जरूर पूरी होती है, पर इसमें नहाना आसान नहीं है, पानी बहुत ठंडा होता है। जय भोलेनाथ।